टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ऑफ द विजन मैगजीन मंथली मैगजीन IR सेक्शन देन आई हैव कंप्लीट IR देन आई विल डिस्कस अबाउट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर इंडियन सिक्योरिटी क्या है एंड आर्ट एंड कल्चर देन हम पॉलिटी करेंगे इकोनॉमिक्स करेंगे। तो आज हम आपको WTO जितने आर्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये विजन IAS की मैगजीन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आपको हार्ड लगता हो आप तो बेटर है, नहीं तो आप अगर समझ पा रहे हैं तो और भी बेटर है, बिकॉज दिस मैगजीन वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए ऑल अराउंड वर्ल्ड। देन फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस योर आप अपना महत्वपूर्ण समय इस पे देंगे एंड आपको सबसे ज़्यादा मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, देन सॉल्व आउट अपने ओन वे में। यू हैव फर्स्ट टाइम स्टडी एंड टू राइट द इक्वेशन देन यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विच बी रिलेवेंट, बिकॉज नो वन मैन कैन बी परफेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन बिकॉज टॉपर हैव मैनी डाउट्स हाउ कैन क्लियर द UPSC एग्जामिनेशन, हाउ कैन आई कुड नॉट क्लियर एग्जामिनेशन। फियर सबके पास है, ऐसा नहीं कि हमारे पास ही है, फियर सबके पास है, रहना भी चाहिए क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई नहीं जानता कि मैं इसको क्वालिफाई कर लूँगा। आप कितना भी देन यू हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस देन यू हैव सेलेक्टेड दिस एग्जामिनेशन। तो आई विल जस्ट टेल अबाउट कि आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट यू नोइंग आप जानें, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं उसके सारे रूल आपको पते रहते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम के सारे रूल पता रहना चाहिए। देन यू हैव बी बेटर खिलाड़ी, वही अच्छा होता जो सारे रूल जानता हो, देन उसको बैटिंग करने भी अच्छा लगता है। तो हमारा ब्रिक्स क्या है, आसियान क्या है, सार क्या है, दक्षेस क्या है, किसी से हमारा करंट रिलेशन पूछता है, तो आपको सब पता होना चाहिए ना। यू हैव अ सिविल सर्वेंट आई यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देन यू हैव व्हाई शुड कैन बी नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन, यू हैव नो योर ओपिनियन योर थाट, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो हम आपको थोड़ा बहुत जो आई वुड गेन इन दिस एग्जामिनेशन देन आई विल ट्राई टू गिव इन माई सेल्फ। आज हम आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में बताएंगे, किसमें कितने इसकी कंट्री हैं और ये हमारा जो ब्रिटेन है यूनाइटेड किंगडम ये हमारा विघटित हो गया है यूरोपियन यूनियन से। अब क्यों विघटित हुआ है ये तो वही जानता है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये कंट्री हैं लाइक स्वीडन, आपको याद रखने की ट्रिक क्या है, यहीं पे आपका नाटो आ जाएगा। तो आपको यूरोप के फर्स्ट मैप पता होना चाहिए देन यू हैव बी बेटर अंडरस्टैंड इन दिस। तो ये हमारा नॉर्वे है, अगर आप HDI इंडेक्स देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो इन्हीं कंट्री में टॉप पे रहेंगे नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, बिकॉज यही यहाँ भी पॉपुलेशन भी कम है। देन यू हैव द पोलार शिफ्टेड रीजन्स कंट्री हैं, ये पोलार ध्रुवी प्रदेशी रेस्ट हैं, तो इनकी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे ये हमारा नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड। देन अगर आप नीचे आएंगे तो ये हमारा इस्टोनिया, फिर लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन जो अभी क्राइसिस चल रहा है। देन अगर आप नीचे आएंगे तो हमारा ये सियेरा, फिर ग्रीक आ गया, इटली आ गया,
फ्रांस आ गया, स्पेन आ गया, पुर्तगाल आ गया। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम तो ब्रिटेन हम पे राज किया, फिर हमारे पुर्तगीज़ आए, फ्रेंच आए, स्पेनिश आए और डेंस आए, क्योंकि इन लोगों को जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, आप देखेंगे कि इनके पास टेक्नोलॉजी थी, ह्यूमन रिसोर्स था, यहाँ पे लोग बहुत पढ़े लिखे थे, सिविलाइज कंट्री है, यहाँ पे लोग रिसर्च के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इसलिए इन्हें कंट्री नो। अब अगर आप देखेंगे नोबेल प्राइस, नोबेल प्राइस में मैक्सिमम कंट्री यही आ रही हैं, साइंटिस्ट भी हमारे यहीं से निकल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन मूव ऑन, हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच निवेशी समझौतों की पहली वर्षगांठ भी स्थापित किया गया है, तो अब इसमें संबंधित तथ्य क्या हैं ये हमको पढ़ना चाहिए। बायलेटरल दोनों में, अगर हम कभी बायलेटरल यूज़ करें, ट्राईलेटरल यूज़ करें या मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, बायलेटरल मीन्स दो लोग, ट्राईलेटरल मीन्स तीन लोग, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्री ट्रेड कर रही हैं, तो एफएटी यहाँ पे मेंशन है, एफएटी ये फाइनेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये इन्होंने यहाँ पे हम समझौता कर लिए, हम दो कंट्रियों के साथ में समझौता किए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, एक हमारा यहाँ पे जाएंगे आप यूएई आ जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ जाएंगे तो ये म्यांमार हो जाएगा, ये हमारा सिंगापुर, सिंगापुर से हम किए हैं, बस दो ही कंट्री हैं जिससे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं, जैसे हमारी ये कंट्री है आसियान, आसियान कंट्री हैं, आप अगर उसका मैप देखेंगे एशिया का तो आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, ये अब हम आसियान, ये हमारा सार्क है, सार्क फेल हो गया क्योंकि इसमें जो कंट्री हैं लाइक श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, तो इन सब के बीच में पटती नहीं है, तो इसलिए सार्क फेल हो गया। जो आसियान कंट्री हैं ये 10 कंट्री आती हैं, इधर से आप देखेंगे तो आपका म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, हनोई, ब्रुनेई, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये सब कंट्री आ जाती हैं हमारी आसियान में, तो ये 10 कंट्रियों का समूह है, ये आज की डेट में वो सक्सेस है, ये फेल हो चुका है, उसके मुकाबले ये नहीं सही है। अब एक आप पढ़ें SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम आगे मूव करेंगे जिससे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से हमारे दो कंट्री के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसमें जो ड्यूटी लगती है सेस, उसे सेस बोलते हैं, सेस टैक्स होता है, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे तो लॉस हम ही को है, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा माल इंपोर्ट कर देगा इंडिया में, तो उसके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे इंडिया में, सस्ते हो जाएंगे जिससे हमारे जो मैन्युफैक्चर हैं वो मैन्युफैक्चर तो करेंगे पर उनका सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि चाइना जो आजकल मोबाइल सेक्टर में, टेक्नोलॉजी या आईटी सेक्टर में हब कर लिया है, अब उसके मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं, अगर ये ड्यूटी कम होती, एक्साइज ड्यूटी, तो चाइना के मोबाइल यहाँ 2-2 हज़ार में मिलते, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में मिल जाते। अब गवर्नमेंट में इसने इतना टैक्स लगा दिया,
जिसके इनके मोबाइल 10,000 में मिल रहे हैं। अगर आज भी हम मोबाइल बना रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी 10,000 के करीब आती है। तो हम आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बता दिए। देन आप अगर आगे देखेंगे तो FATA में समझौते के तहत कहा गया कि FATA व्यापार निवेश भौगोलिक GI या GI के तहत अंतर्गत आता है। तो इसमें हमको दोनों पक्षों के व्यापार समीक्षा करना है, समझ संतुलित व्यापार तय करें। ब्रूसल्स 2019 में शुरू हुआ भारतीय यूरोपियन का संबंध है। चीन प्रतिनिधि काउंटर करना है, चीन को हमें काउंटर भी करना है, चीन को हमें काउंटर करना है। आर्थिक समझ के लिए इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी हो गया। 2021-22 में द्विपक्षीय इतना बिलियन डॉलर था हमारा यूरोपीय यूनियन से। देन उथल पुथल के बावजूद, क्योंकि हमारे जो नाटो है, नाटो से हमारा अच्छा रिलेशन है, हमें हब ट्रीट में एग्रीमेंट करता है, देन यूरोपियन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यूरोपियन यूनियन के बारे में A to Z। देखो यहाँ पे 27 कंट्री हैं जिसमें से निम्नलिखित किया गया है। सुपरनेशन स्थापित शक्तियाँ सौंपी गई हैं और अर्थनैतिक आर्थिक सहयोग किया गया एक निर्णय के लिए। यूरोपियन की संस्थाएं हैं, यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन सदस्य अध्यक्षता और मंच पर एक यूरोपियन राजनीति, यूरोपियन कमीशन है एक निर्धारित करता है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, सदस्यों की सरकार मंत्री कानून दायर कर, यूरोपियन पार्लियामेंट है एक। इसकी ये तीन फॉर्म है, लाइक अ यूरोपियन यूनियन, ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म है। फर्स्ट अभी देखो, जैसे हमारा पूछा था क्वेश्चन, तो इसका भी पूछ सकता है। फिर हमारे हित में ब्लू इकोनॉमी, आप जानते हैं ब्लू इकोनॉमिक लाइक मरीन सिस्टम, हमारे समुद्र फील्ड में। फिर ये ब्लू ग्रोथ इकोनोमेशन देश नीली क्रांति के लिए अपनाया गया बात है। इंडो पैसिफिक में हमें चाइना को भी ट्रैकल करना है, इसलिए इंडो पैसिफिक में हम ढांचे के निवेश कर रहे हैं। भारत के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश के विश्व में चौथे सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जन करना, लड़ने समाधानिक कनेक्टिविटी हम बढ़ाएंगे ग्रीन, और जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड है, ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसमें क्या है कि ये हमारा पूरा एशिया है, तो वन बेल्ट वन रोड, ये हमारा पूरा, यहाँ से बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ग्वादर, देन कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से होते हुए यूरोपियन यूनियन, देन हमारा यहाँ पे आ जाएगा अफ्रीका, पूरा कनेक्टिविटी बचा के रखा है। तो हम यहाँ पे हमारी भी एक रणनीति है जिसके तहत हम ये हमारा जो इंडोनेशिया और सिंगापुर का रीजन है, हम इसको ट्रैकल करने के लिए यहाँ पे हमारा कोमोस आइलैंड है जो USA का है, यहाँ पे हम यहाँ पे नवल है, श्रीलंका पे हमारा है, ये मालदीव पे, और यहाँ से हम जाके फिर हमारा ये चार बाहर पोर्ट हो गया, इस तरह हम इसको घेर रहे हैं। दैट इज पॉलिसी वन बेल्ट वन रोड इन सिटी के कारण हो पाया है ऐसा। तो अब आगे हम देखते हैं, सभ्यता स्थिति को सुदृढ़ करना है, राजनीतिक बदलाव से डेनमार्क रणनीति सुझाव करना है, पश्चिमी शहर के नए क्षेत्र में विन्यास करना है, डेटा संरक्षण के लिए राजनीतिक निर्माण करना है। अब हम FATA के बारे में पूरा देख लेते हैं, फाइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यह हमारा रुचि की वार्ता करता है, भारतीय संसद की चिंता है।
क्रीमिया दौरान रूस की भूमिका का सीमिया। आप क्रीमिया का मुद्दा जानते होंगे, नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। क्रीमिया पार्ट ऑफ यूक्रेन, ये वाला पार्ट है यूक्रेन का, इसको यूएसएसआर, आज हम रसिया बोलते हैं, ये उसको हड़प लिया। अब क्या है कि यूक्रेन जा रहा है नाटो, तो हम इसको रसिया रोक रहा।